हरिकत्तर स्थित गांव पल्हावास के समीप एक पेट्रोल पंप पर बीते रविवार सुबह कार में सवार होकर आए चार बदमाशों ने पिस्तौल के बल पर सेल्समैन से करीब 30,000 की नकदी लूट ली। शोर मचाने के बाद बदमाश कार में सवार होकर झज्जर की ओर फरार हो गए। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए नाकाबंदी की, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिल पाया। शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। लूटपाट की घटना पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। बता दें कि रोहतक रेवाड़ी हाईवे नंबर 71 पर स्थित गांव पल्हावास के समीप गांव निवासी मीनाक्षी ने ओम फिलिंग स्टेशन के नाम से पेट्रोल पंप खोला हुआ है। पेट्रोल पंप पर काम करने वाले सेल्समैन विजय सिंह ने बताया कि रविवार की सुबह करीब 7 बजे एक सफेद रंग की बिना नंबर की कार आरुखी तथा कार चालक ने 1100 रुपए का पेट्रोल डलवाकर 2000 रुपए का नोट दे दिया। इस दौरान सेल्समैन विजय सिंह जब बैलेंस वापस देने लगा तो कार में सवार चार बदमाशों ने उस पर पिस्तौल तान दी और उसके पास से 29,460 रुपए लूट लिए। सेल्समैन द्वारा शोर मचाने पर चारों बदमाश कार में सवार होकर झज्जर की ओर भाग गए। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी तथा बदमाशों की धरपकड़ के लिए हाईवे पर नाकाबंदी कर दी, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा। पल्हावास निवासी सेल्समैन विजय सिंह की शिकायत के बाद रोहडाई थाना पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। रोहडाई थाना के SHO मनोज कुमार ने बताया कि पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जल्द ही बदमाशों को काबू कर लिया जाएगा। ब्रजेश पांडे है। ब्रजेश, कैसे क्या घटना घटी? घटना घटी सर, वहाँ से एक गाड़ी आई, इसमें चार बंदे थे, तो 1100 रुपए का तेल डालने के लिए बोला, तो उसने 1100 रुपए का तेल डाल दिया और या उसको बाकी बैलेंस उसने वापस देने लगा, तो उसमें से एक बंदा निकल के वो रिवाइवर लिया हुआ था उसको लगा दिया और उससे पैसे छीन लिया और चारों मिलकर जो है उसको पीटे हुए। कितने लोग थे जिनके पास गन थी? गन तो सर चार थे, तीन के पास थी, एक ड्राइवर सीट पे बैठा हुआ था जी। तो हाँ सर, पुलिस वाला आश्वासन दिया हुआ है पकड़ लेंगे, पकड़ने का अभी तक तो आश्वासन दिए है। थाना तो सर करीब यहाँ से 500 मीटर दूर। कैसे क्या घटना घटी? सर वे गाड़ी लेकर आए तो पेट्रोल डलवाए उसने, 1100 रुपए का बोल रहा था, तो सर जैसे मैं पेट्रोल डाल रहा फिर वैसे खिड़की से उतरे, एक ने गन ले रखी थी, फिर एक आके फिर मैंने बोला कि 2000 रुपए उसने दिए, तो उसमें से मैं 900 रुपए वापस देने लगे, मेरे हाथ में पैसे थे, उसने मेरे पैसे छीन लिए, फिर वे गन लगाए, गन पट्टी लगाने लग गए, फिर सर तीन जने और आए, फिर उसके पास भी चारों के पास गन थी, फिर सर वे चिपटा झपटी करने लगे, दो आन तुरंत गन मारी, फिर सर वे मार छेड़ के पैसे खोज के फिर भागने लगे। मैं कितने पैसे छीन ले गए? सर वे 30,000 रुपये। 30,000? एक की तो इसने बात भर लिया, मैंने सर पकड़ा भी था, कोशिश भी की, फिर सर उसने फिर उतर के मेरे फिर गन वो फायर करने की कोशिश करी। फायर वगैरह तो नहीं की? ना, फिर वैसे से मारने की कोशिश की सर। चारों के पास गन थी? हाँ जी सर। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।